Hi friends, how are you all? I'm quite okay. Summer vacation is going on. तो actually पता चला अभी कि 15 लोग आ रहे हैं मेरे घर में guests वगैरह. तो उसमें वेज भी है नॉन वेज भी है. तो वेज में मैंने सोचा थोड़ा सा दम आलू बना लेते हैं और पनीर की सब्जी. पनीर का एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन आज नया टाइप का बनाएंगे, वो भी दिखाएंगे आप लोगों को. अभी देखिए पहले मैंने 1 किलो आलू लिए हैं और लेके उसको बढ़िया से धुल के फिर प्रेशर कुकर में 1 सीटी लगा लिया. लगाने के बाद आलू को थोड़ा सा आलू फ्राई करके मैंने उठा के रखे भी हैं और थोड़ा अभी फ्राई कर रहे हैं. अभी उसके साथ क्या क्या मसाला चाहिए सब आप लोगों को दिखाएंगे. अभी हम कढ़ाई में तेज पत्ता और लाल मिर्च दोनों ले लिए हैं. तेल अच्छे से गर्म हो गया, उसके बाद चूल्हा को थोड़ा सा कम कर लेते हैं. फिर अब क्या क्या मसाला इसमें डालेंगे देखिए. अभी बहुत आराम से बना सकते हो. इसमें पहले मैं 1 चम्मच शक्कर दे देती हूँ जस्ट कलर्स के लिए, और उसके साथ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर उसमें दे देते हैं. इसमें अपना कलर बहुत बढ़िया होता है, शक्कर से तो कलर होता ही है, आप सभी लोगों को पता भी होगा. जैसे ये पूरा थोड़ा सा ज़्यादा रेडिश होने लगे तब उसमें हम प्याज डाल देंगे, कटा हुआ प्याज 1 किलो था तो इसलिए 4 पीस तो लेना ही लेना है. चार पीस प्याज काट के देंगे. अभी ये प्याज को मैं बहुत अच्छा से फ्राई कर रही हूँ. थोड़ा थोड़ा रेड हो गया तो उसमें मैं क्या करेंगे, 1 चम्मच लहसुन जो मैं पीस के पहले ही रखा था उसको दे देंगे, और 1 चम्मच अदरक, दोनों चीज़ इसमें डाल देंगे. बीच में थोड़ा सा खाली कर लेते हैं क्योंकि उसमें तेल भी ज़्यादा होता है और आग भी ठीक से लगेगा, तो इसलिए बीच में थोड़ा सा पोर्शन से प्याज हटा के उसी में अदरक और लहसुन की थोड़ा पेस्ट मैंने ले लिया. अभी बहुत बढ़िया से इसको फिर फ्राई करने लगे. अब देखिए प्याज लगभग हो चुका है, थोड़ा सा वेट करके फ्राई करना पड़ता है. टेस्ट बहुत अच्छा है और मैं कभी भी दम आलू में पानी नहीं डालते हैं. अभी इसमें हम थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च की पाउडर डालेंगे. और थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद हम गरम मसाला और लाल मिर्च और उसके साथ धनिया की पत्ती और जीरा, ये तीनों चीज पहले सूखा फ्राई करके मिक्सर में ग्राइंड कर लिया. सो वो वाला मसाला भी डालेंगे अभी थोड़ी देर में. ये है गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा अपना हिसाब से दे देना, और उसके साथ ये जो मसाला मैंने बनवाया था लाल मिर्च दिए थे उसमें, तेज पत्ता दिए थे और जीरा. मसाला मेरा बहुत अच्छा लगता. अभी इस मसाला को मैं मिक्सर में दे दूँ. अभी इसमें मैं काटा हुआ टमाटर भी पेस्ट दिए हैं, तो टमाटर एक्चुअली मैं थोड़ा सा ज़्यादा देती हूँ क्योंकि मुझे उसमें अच्छा लगता है. आप चाहो तो आप कम भी दे सकते हो,
मैंने 3 पीस टमाटर दिए हैं। अभी ये पूरा तैयार हो गया, अभी इसको हम मिक्सी में दे देंगे, पूरा पेस्ट बन जाएगा। अभी हमें मिक्सी का ढक्कन में ये पूरा जो मसाला मैंने बनाई उसको डाल दे रहे हैं। बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग भी ट्राई करिएगा, फिर उसके बाद मुझे जरूर बताइएगा कैसा लगा। पूरा मसाला इसमें दे दिया, मिक्सी में एकदम पेस्ट बन जाएगा और लगभग हो ही चुका। अब देखिए इसका पेस्ट बन गया, देखिए पूरा एकदम बढ़िया वाला पेस्ट बन गया। अभी हम कढ़ाई में इसको पूरा डाल दें। ये मसाला तो मैंने पहले पूरा ही फ्राई कर लिए थे, आप लोग सब देखे ही है, तो अभी फ्राई करने का जरूरत नहीं है। ये जो आलू है मैं आपको पहले ही दिखाया, तो आलू थोड़ा सा हमने हार्ड बॉईल किया था, हार्ड बॉईल करने के बाद इसको बहुत अच्छे से फ्राई किया। अभी इस मसाला में पूरा ये आलू डाल देंगे। अब इसको मसाला के साथ बहुत बढ़िया से ट्विस्ट करेंगे। बिल्कुल एक बूंद भी पानी मैंने नहीं दिया। अभी ठीक 2-3 मिनट के लिए चूल्हा एकदम कम करके मैं एक ढक्कन देती हूँ, इसलिए ढक्कन देती हूँ कि आलू के अंदर भी मसाला बहुत बढ़िया से जाए। और एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाया नहीं लेकिन मैंने कर लिया, वो हम बता रहे हैं, जैसे फोक होता है, फोक से ईच एंड एवरी पोटैटो को मैंने अंदर में थोड़ा थोड़ा छेद कर लेता है, जैसे कि मसाला वगैरह इसके अंदर बहुत अच्छे से जाए। थोड़ा सा खटाई आप दे सकते हो अगर चाहो तो, इमली मिक्स करके दे सकते हो। अब ये लगभग पूरा ही हो चुका, अभी हम एक चीज इसमें मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इमली मैंने भिगवा के रखे थे, ठीक है, तो खट्टा मिट्ठा दमालू बन गया। ये आप अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से बना लीजिए। कंप्लीट हो गया, अभी हम यहाँ पे पूरा रेडी हो गया, बस सिर्फ खाने का इंतजार। बहुत बढ़िया, हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद है, अब आप भी बना के देखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी बनता है। अभी फिर दूसरा आइटम बनाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। एक्चुअली मैंने तो काफ़ी सारी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है और काफ़ी सारी प्लेस में भी घूमे हैं आप सब लोगों को लेके साथ में, और ये मेरा पहला वीडियो कुकिंग का। सो कुकिंग मैंने स्टार्ट किया वेज से ही, जैसे भी बंगाली लोग वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ नॉन वेज ऑल्सो एज वेल एज वेज ऑल्सो, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ वेज आइटम्स हम लोग बनाते हैं, तो इसके बाद फिर हम आएंगे नॉन वेज डिशेज लेके। ओके, स्टे ट्यून्ड, God bless you all.